आज का मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। हमारे पास बहुत सारा नंबर का भंडार था, उस नंबर से मेरा काम हो ही जा रहा था, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट क्यों आया, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। लाइक आपको 10th क्लास में इक्वेशन मिलता हुआ कि चलो ऐसा सॉल्व कर दो, तो क्या सॉल्व करना है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ गया सॉल्व। वो क्लास 10 का क्वेश्चन मान लो अभी भी तुमको दे दिए, मान लो अभी ये तुम्हारा पीछा अभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने चलोगे तो क्या लिखोगे, इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस 1। अब माइनस 1 जैसे ही आ जाएगा सब विद्यार्थी लोग क्या बोलेगा, सब स्टूडेंट वो लोग बोलेगा कि सर ये तो कैसे हो पाएगा, ये तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बोलिए कि भाई कोई भी रियल नंबर हमने अभी तक, रियल नंबर मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आप नंबर अभी तक क्लास 10 तक जो भी आप नंबर पढ़े, जो भी नंबर उसका आप स्क्वायर करो, कोई भी नंबर ले लो और चेक करो क्या ये 0 से छोटा आता है क्या। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, मतलब 0 से छोटा नहीं आता है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, बोल करेक्ट है। तो अब आता है कि भाई रियल नंबर मतलब यार मेरे पास कोई ऐसा नंबर स्टॉक में नहीं है जिस नंबर पे हम स्क्वायर कर दें और कह दें कि ये निगेटिव आ जाए, अभी तक क्लास 10 तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो नंबर है उससे मेरा काम नहीं चल रहा है, जितना नंबर हम जान रहे हैं उससे मेरा वर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से हमको एक नए नंबर के बारे में सोचना पड़ गया, एक नए नंबर के बारे में जानना पड़ गया, ठीक है ना, कि जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर वगैरह के बारे में, ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे आप नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो, तो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो तो आप सबको पता होगा कि भाई नंबर्स जो भी हमारा आया तो वो नंबर्स कैसे आए, तो नंबर्स जो है सो हमको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते गया उस हिसाब से नंबर हम लोग क्या हुआ उसको हम लोग सर्च करते चले गए, जिसको बोलते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। तो वैसे ही सोचिए, जब हमारा शुरू में भाई सिंपल हमको काउंटिंग करना होता था तो उस समय हम लोग काउंटिंग नंबर से मेरा काम चल जाता था, 1 2 3 4 ये मेरा काउंटिंग नंबर था, इसे काम चल जाता था। लेकिन समय के अनुसार पता चला कि नहीं, हमको एक जीरो भी नंबर चाहिए, जीरो के बिना काम नहीं चल रहा है। जैसे आप सपोज करो आपको कोई इक्वेशन आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में सोचोगे तो नेचुरल नंबर के हिसाब से ये इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो बोल के नेचुरल नंबर में कहीं भी नहीं आता। तो जैसे आप जीरो के बारे में जान गए अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे, यहाँ आप कह सकते कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, मतलब ये 0 आ गया, 0 मेरा आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं 0 तुमको रिक्वायरमेंट फील हुआ तो तुमने क्या किया, नेचुरल नंबर के अलावा हमें होल नंबर पे आ गए, यार होल नंबर हमको जानना चाहिए, 0 भी एक नंबर होगा। वैसे ही अगर सपोज करो तुमको मिल जाता है 2x इज इक्वल टू 3, तो अभी अगर तुम नेचुरल नंबर और होल नंबर सिर्फ दो ही नंबर अगर तुम लोग जानते हो तो फिर इस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फिर इसके लिए आगे हम लोग फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की बात हम लोग करने लगे, भाई अगर हमको रेशनल नंबर अगर हमको पता है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे x इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब ये सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि हमको जिस तरीके से आवश्यकता हम लोगों को महसूस हुई नंबर्स की, उसी हिसाब से हम लोग अपने नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम मतलब क्या हुआ भाई, जो भी हम नंबर अधिक अगर नंबर्स के बारे में जानने लगे तो सिस्टम बन गया। तो वो हमने नंबर सिस्टम्स में धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या किया, तो वो नंबर्स के रेंज को बढ़ाया, लाइक नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, ऐसे बोल के बहुत सारा नंबर्स आप लोग पढ़, ठीक है। अब उस तरीके से क्लास 10 तक आप जो भी काम करते आए तो आपको ये पता चला कि भाई ठीक है ये जो भी काम करते हैं, लेकिन 10th में जाके कहीं ना कहीं एक जगह मेरा मामला फंस गया। कहाँ पे आके जब हमको इक्वेशन इस तरीके का मिल गया कि भाई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आके मेरा मामला फंस जाता था, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा नंबर हमको जानकारी में नहीं था जिसके स्क्वायर करने पे वो निगेटिव हो जाए, क्लियर।
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अगर मैंने लिख दिया, तो कोई इधर आरएचएस मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके बारे में आप ये कह लो कि हाँ इसका स्क्वायर को रिलेटिव निगेटिव हो गया। ठीक, अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले मैथमेटिशियन ने जो है सो ढूंढा, और उस मैथमेटिशियन का जो नाम था वो यूलर नाम, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने, यूलर साहब ने एक सिंबल इंट्रोड्यूस की, ठीक है, और वो सिंबल ना हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए। वो यूलर साहब ने बहुत काम की बात कही उस समय, उन्होंने कहा कि देखो भाई एक काम करो, आज से आप लोग क्या करो ना कि एक सिंबल, आप एक स्मॉल आई टाइप एक सिंबल ले लो, और ये सिंबल को ना बराबर आप मान लो, आज से ये हो गया रूट ओवर माइनस वन, ठीक है, और ये जो आई सिंबल है इसको आप बोल दो आयोटा सिंबल, आईओ डी, ठीक है, ये सिंबल को आप बोल दो क्या, ये सिंबल आपका आयोटा सिंबल, ठीक, आज से ये आयोटा सिंबल का मतलब हम क्या समझेंगे, तो आज से आयोटा सिंबल का मतलब हम लोग समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन, सिंपली बस इसको आप आज से रिमेम्बर करो। अब देखो, अब ये तुम्हारे प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया, अब ये एक छोटा सा ये सिंबल अब तुम्हारे पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुका है। कैसे, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया अभी कि आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन, ये अब जो इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उस इक्वेशन का अब ये सॉल्यूशन लेकर आ गया। तो कैसे सॉल्यूशन लेकर आ गया, अब आप देख सकते हो, अब आप चेक करो, चलो इसको आप सॉल्व करने की फिर से हम लोग कोशिश करो। अब देखो जरा सा, आई अगर रूट ओवर माइनस वन है तो सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का तुमने स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो आई का विद्यार्थी लोग सोचिए, आप लोग स्टूडेंट लोग, कि आई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इधर हो जाएगा आर एच एस में रूट ओवर माइनस वन का स्क्वायर। तो जैसे ही रूट ओवर माइनस वन का स्क्वायर करो तो सब बच्चा को समझ में आ जाएगा भाई कि ये तो रूट हट जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंपली माइनस वन हो जाएगा, क्लियर है, तो सिंपली माइनस वन हो जाएगा। तो मतलब अब अगर हम लोग चाहें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन जो आपने लिखा है, इसको अब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन के बदले में आई का स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, ये आई का स्क्वायर जस्ट इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाया है, वो आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ आई का स्क्वायर जो है सो माइनस वन के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये आई स्क्वायर के बराबर है। बोलिए क्लियर है। अब जरा सोचो, अगर ऐसा आपने लिख लिया तो आप लिख सकते हो कि इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू का स्क्वायर हटा दो तो प्लस माइनस आई, मतलब इसको तुम इस तरीके से बोल सकते हो, दैट इज या इधर प्लस आई और माइनस आई बोल के हमारा तरीके से जो है क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, क्लियर है। यहाँ देखो भाई, सिंपली आप सोचो ना आई के बारे में, अगर आई का आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो सो इसका मतलब हमको पता ये चल गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का इसका एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन अब किसके बराबर है, ये आयोटा सिंबल आई के बराबर है। देखो आई एक सिंपली एक सिंबल है जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये रूट ओवर माइनस वन के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि चलो भाई अब ऐसा इक्वेशन अगर मेरे सामने इनकाउंटर देता है तो हम लोग अब इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए अब कुछ और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए कि आपको 10th क्लास में ही और भी लाइक इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता था, जैसे मान लो कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही तुमको सॉल्व करना है, कि सॉल्व सिंपल से इक्वेशन ले लो लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब भाई इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कंपेयर करते थे किसके साथ भाई, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन तुमको क्या मिलेगा, देन अब चले आओ ए का वैल्यू क्या मिलेगा सोचो, तो ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नीचे अगर आता है, उसी तरीके से आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर यहाँ ए है, यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मेरा क्या है, फिर बी यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है तो यहाँ देखना है बी एक्स का कोफिशियंट क्या है, और सी वन है यहाँ सी आपका ए वन कितना, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कि भाई हम लोग ए बी सी का वैल्यू सिंपली हम लोग लिख लेंगे,
लिखने के बाद आएंगे तो ये कहेंगे कि ए क्या हो गया, तो ए हमारा वन के बराबर हो गया, चलो वन क्यों हो गया। एक्स का कोफिशियंट अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो सिंपली ये समझ लेंगे कि ये वन से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओगे तो ए का वैल्यू तुमको कह दो कि ये वन हो गया, तो हम फिर चले आओ बी को क्या कहोगे, भाई ये वन हो गया, एंड सी को क्या बोलोगे, ये वन हो गया, है कि नहीं। तो अब देखो, अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास का सब बच्चा जानता होगा कि एक्स इज इक्वल टू लाइक इतना फार्मूला आप पढ़े हुए होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई, ये बोल के ऐसा एक फार्मूला आप पढ़े होंगे वेयर जहाँ पे आपका डी का वैल्यू क्या हो जाता है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होता है, ठीक है। तो डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होता है, चलो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो डी का मतलब क्या ऊपर दिया हुआ, तो वन का वन का स्क्वायर कर लो, माइनस फोर ए सी तो फोर इंटू वन कर लो, फिर ये क्या आ जाएगा, वन माइनस फोर आ जाएगा, ये माइनस थ्री के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब इसी वैल्यू का आप लोग सिंपली क्या करो, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, जो आपने फार्मूला लिखे हैं उस फार्मूला में सिंपली इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है सब विद्यार्थी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे चलो भाई, तो ये इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस बी तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू ए, मतलब टू इंटू वन, ठीक है। अब जैसे ऐसे लिखेंगे तो आपके दिमाग में ना तुरंत ये बात तुरंत आ जाएगा, अरे भाई ये रूट के अंदर ये क्या हो गया, तो रूट के अंदर तो निगेटिव नंबर आ गया, यहाँ पे तो निगेटिव नंबर आ गया, तो भाई इसका आप क्या करेंगे। तो चलो अब ये पुराना बात हो गया ना, टेंथ का बात अब नहीं है, तो अब इलेवेंथ में हम लोग के पास ना कुछ अब नई बातें आ गई हैं। नई बातें क्या आ गई हैं भाई, अब हम लोग जान गए हैं एक सिंबल आयोटा, जो सिंबल का काम क्या है भैया, तो वो सिंबल आई जो होता है वो रूट ओवर माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इस सिंबल का हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर लेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि भाई चूंकि आपका आई क्या हो जाता है, तो ये रूट ओवर माइनस वन हो जाता है, क्लियर है, सोचो सोचो आप लोग। तो सो आप सो, और ये आप भी अभी आप देखें कि आई का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये सिंपली माइनस वन हो जाता है। इसीलिए आप सोचो जरा सा, माइनस थ्री को आप क्या लिख सकते हो, ये जो माइनस थ्री इसको आप चाहोगे तो थ्री इंटू माइनस वन लिख सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और थ्री इंटू माइनस वन अगर आप लिख लेते हो तो थ्री इंटू माइनस वन मतलब आई का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, क्लियर क्लियर हो रहा है सब बच्चे लोग को। तो चलो माइनस थ्री जो हमको दिख रहा है, इस माइनस थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो थ्री आई स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ना आयोटा सिंबल जो हमको पता चल गया है, ये सिंबल हमारी मदद करेगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, अब इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे आके यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी इस एक्स का वैल्यू निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आके इसको रखोगे तो ये अब आपको क्या दिखने लगेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर, अब जरा देखो, अब माइनस थ्री को लिख लो थ्री आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो क्लियरली अब सब बच्चा लोग को दिखाई दे देगा भाई कि इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर थ्री आई, आई स्क्वायर का आई बाहर ले लिए डिवाइडेड बाई टू, तो कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो गया। तो ये पॉसिबल अब कैसे हो रहा है, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि कोई भी आपका अगर नंबर निगेटिव नंबर है सपोज करो, तो वो निगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में है स्पेशली, तो ये आई सिंबल अब आपकी मदद करेगा कैसे, तो ये अब आप उसको स्क्वायर रूट को लिखने में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को अब दिमाग में क्या रखना है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी, तो ये रूप में हम तो अभी याद रखते हैं, तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर, है ना, कोई निगेटिव रियल नंबर इसको आपने स्क्वायर रूट कर लिया है ना, तो इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, और एन इमेजिनरी नंबर,
और एन इमेजिनरी नंबर। एक सिंपल सा चीज अब याद रखो, ठीक है, परफेक्ट हो गया कि भाई कोई भी अब अगर आपके सामने निगेटिव नंबर दिखता है आपको, तो निगेटिव नंबर दिखता है तो भैया उस केस में क्या हो जाएगा, उस निगेटिव नंबर का ये जो मैंने बोला कि देखो जो निगेटिव रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो वैसे केस में वैसे नंबर को आपको क्या बोलना है, ये बोलना है कि भाई इमेजिनरी क्वान्टिटी है या ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, क्लियर है। तो अभी से ये दिमाग में रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके मन में आएगा भाई क्या हो सकता है इमेजिनरी क्वान्टिटी या इमेजिनरी नंबर क्या हो सकता है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर लाइक सपोज करो रूट ओवर, अभी हमने देखा -3 है, रूट ओवर -4 है, या रूट ओवर -9/4 है कि नहीं, ये इटिसी, ये सारे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर्स को आप क्या बोल सकते हो, तो ये भाई चलो ये क्या है, ये सभी इमेजिनरी क्वान्टिटी या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी क्वान्टिटी बोल लो या इसी को आप पहले इमेजिनरी नंबर है। तो अब यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चल गया कि चलो इमेजिनरी नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है और इमेजिनरी नंबर को कैसे करना है, तो आई के हेल्प से मुझे लिखना है, जहाँ आई के बारे में हम सभी को याद रखना है आज से कि आई का वैल्यू, आई मतलब एक आयोटा सिंबल है, आयोटा सिंबल यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने सबसे पहले दिया था, और आई का वैल्यू सिंपली रूट ओवर -1 के बराबर होता है, क्लियर। तो चलिए पहले हम लोग ना आई पर डिस्कस कर लेंगे कि भाई आई का वैल्यू अगर रूट ओवर -1 है ना, तो इससे और क्या क्या बातें हो सकती है, ठीक है। तो पहले ना इसे कुछ इंडेक्स और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि और आगे क्या बातें आ सकती। अब देखो, अब मान लो आई अगर है तो आई मतलब आई का पावर 1 हो गया, अब चलो आई का पावर 2 कर लो, आई का पावर 2 कर लो मतलब आई स्क्वायर कर लो, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, देखो आई ऊपर में माइनस रूट ओवर -1 दिया है, इसका पावर 2 हो गया, तो जैसे पावर 2 आप करोगे तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा और यहाँ पे सिंपली -1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया, क्लियर। चलिए अब थर्ड नंबर में आते हैं, थोड़ा और पावर बढ़ाते हैं, लाइक 3 पावर कर लेते हैं, आई का पावर 3 कर लो भाई, तो आई का पावर 3 कर लो, तो अगर तुम इसको चाहोगे तो आई के स्क्वायर इंटू आई का पावर 1 कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे लिख लिया इसको समझो, इसको इस तरीके से मैंने लिख लिया, यहाँ पे आई आपका जो बेस है ना वो बेस आपका सेम, ठीक है, तो आई जब आपका बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऑटोमेटिकली जब बेस सेम रहता है तो पावर तो ऐड हो जाता है, तो 2+1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ो, आई स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, देखो जस्ट ऊपर में आई स्क्वायर निकाले -1, या -1 लिख लो, आई का पावर 1 मतलब आई रह गया, अब -1 मल्टीप्लाई होता सिंपली -i आ गया, और आगे बढ़ो आई का पावर 4 कर लो, आई का पावर 4 को अगर तुम चाहोगे तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, आई स्क्वायर ऊपर देख लो भाई, ऊपर में हम निकाल दिए -1 तो -1 का पावर 2, अब -1 का पावर 2 करो तो नेचुरल क्या हो जाएगा +1, मतलब सिंपली ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग आई मतलब रूट ओवर -1 जान गए, नेक्स्ट आई स्क्वायर तो -1 सिंपली मैंने लिख दिया। अब ये सब को मैं अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे देखो ये हमारा हो गया आई मतलब रूट ओवर -1, क्लियर, फिर नेक्स्ट में आ जाओगे तो आपका नेक्स्ट में आई स्क्वायर चल रहा है, तो आई स्क्वायर चल रहा है तो ये आपका आ गया, आई स्क्वायर का मतलब क्या दिमाग में रखना है, आई स्क्वायर का वैल्यू को हमेशा -1 के बराबर आपको ज़ूम करना है, फिर आगे आप बढ़ोगे तो आई क्यूब आ गया, आई क्यूब का वैल्यू क्या मिला भाई, तब बाद में देखो आई क्यूब का वैल्यू तुमको मिला -i, है ना, ये मैं ना क्या करता हूँ ऐसे इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, -i हो गया, और नेक्स्ट आप आ जाओगे i^4 में, तो i^4 का वैल्यू क्या मिल गया आपको, ये सिंपली आपको सब आदमी को दिख रहा होगा कि सिंपली आपको ये जो है सो 1 के बराबर, क्लियर है। तो आई मैंने 1 से शुरू किया पावर और ये 4 तक हमें चलेगा, तो 4 तक चलेगा तो हमने देखा कि भाई आई का पावर अप जैसे जैसे बढ़ाओगे उस हिसाब से किस तरीके से ये वैल्यू में क्या वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब क्या करो, अब चलो थोड़ा पावर और बढ़ा, जैसे आई का पावर 1 तक यहाँ चले, अब आगे बढ़ जाते हैं, जैसे चलो आई का पावर ना 5 ले लिया, 5
आई का पावर फाइव, फाइव क्यों ले लिया, क्योंकि तो आप देख सकते हैं ना फोर तक हम नीचे ऑलरेडी यहाँ कर चुके, ठीक है। तो आई का पावर फाइव जैसे आप लेंगे तो आपके मन में होगा भाई इसको हम क्या करें, आई का पावर फाइव लेंगे तो देखिए इसको अभी क्या करेंगे आप, सिंपली लास्ट में आई का पावर फोर तक आप निकाले हुए हैं, तो आई के पावर फाइव को ना आप लिख लीजिए आई का पावर फोर इंटू आई, आई मतलब आई का पावर वन, तो अब क्या हो जाएगा आई का पावर फोर मतलब यहाँ से वन आ गया और आई का पावर वन मतलब आई रह गया, अब आई और वन से मल्टीप्लाई होगा तो देखो तो सिंपली आई आ जाएगा कि नहीं, फिर आगे बढ़ो आई के पावर बढ़ जाओ एक और सिक्स कर दो, तो सिक्स कर दोगे तो देखो भाई इसको चाहोगे तो पीछे में आई का पावर फाइव निकाल चुके उससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आई का पावर फाइव इंटू आई मैंने कर दिया, अब आई का पावर फाइव देख रहे ऊपर में आई है तो आई इंटू आई आ गया, फिर इसको तुम आई के स्क्वायर कर दो ये तुम्हारा माइनस वन आ गया है ना, फिर आई का पावर सेवन ले लो, आई के पावर सेवन को क्या लिख सकते हो आई का पावर फाइव इंटू आई का पावर टू, लाइक ऐसे लिख लो या आई का पावर सिक्स इंटू आई लिख कैसा लिखना कोई दिक्कत नहीं, सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो तो सॉल्व होकर तुम्हारा फाइनल आ ही जाएगा। ये माइनस वन हो गया, यहाँ से तुम्हारा आई हो गया तो सिंपली आई बन जाएगा, ठीक है। और आई का पावर चलो एट कर लो, तो एट को मैं लिख लेता हूँ आई स्क्वायर पूरे का पावर चलो फोर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, इसका पावर फोर है, अब इवन टाइम्स पावर जा रहा है तो नेचुरल है माइनस प्लस हो जाएगा, और वन का कितना भी पावर चढ़ा लो आपको वैल्यू आपको सेम टू सेम वन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जो तुम्हारा अब जरा सा रिलेशन जरा सा देखना तुम लोग कैसे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने ये सेम रिलेशन वाले को सेम कलर से मैं हाईलाइट कर, जैसे आई जो आपने रूट ओवर माइनस वन लिखा था और आई का पावर फाइव जो आपने लिखा है जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको एक साथ आपको देख, ठीक है। फिर आप आ जाओ आई स्क्वायर आपने लिखा था तो आई स्क्वायर माइनस वन आया तो आई का पावर सिक्स और इधर आपका माइनस वन देख लो, इसको एक साथ आपको देखना है। फिर चले आओ आई का पावर थ्री आपने लिखा है तो आई का पावर थ्री आपने लिखा है, फिर आई का पावर सेवन यहाँ देखो, फिर माइनस आई को देखो एक साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई लास्ट में जो मैंने काम किया है आई का पावर फोर वन आया है मुझे, आई का पावर एट और यहाँ वन आ गया, ठीक है। इन सभी को अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आई का नेचर है वो सेम टू सेम आई के पावर फाइव का नेचर है, क्लियर। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ से आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो देखो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी आई का पावर जो आपका वन आ रहा है और आई का पावर जो फाइव आ रहा है वो आर सेम टू सेम दैट इज इक्वल टू आई दैट इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन, क्लियर। फिर आप चले आओ आई का पावर टू जो आपको आ रहा है, आई का पावर जो सिक्स आपको आ रहा है इसका वैल्यू सिंपली आपको माइनस वन है। फिर आगे बढ़ जाओ आई के पावर जो थ्री आपको वैल्यू मिली या आई का पावर आपने सेवन लिया इसका वैल्यू आपको क्या मिला, तो ये आपको माइनस आई मिला। और फिर आगे लिखते हैं हम लोग आई का पावर आपने फोर ले लिया या सपोज करो आई का पावर आपने एट ले लिया, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिला वो आपको वन मिला। तो मतलब इस तरीके से ना आपको चार रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा कि भाई आई का पावर वन टू फोर जो आपको चला है, गौर फरमाइएगा आई का वैल्यू जो वन टू फोर मुझे मिला है क्या पावर चार से ऊपर चढ़ने के बाद क्या वह उसी पैटर्न को रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, तो आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा, आप तुरंत बोलिएगा हाँ सर ये तो वैसा ही कुछ लग रहा है, मतलब आई का पावर टू आई का पावर सिक्स माइनस वन, सोचो आई का पावर फोर आई का पावर एट तो आपका वन है कि नहीं, आई का पावर वन आई का पावर फाइव तो ये आ गया आपको सिंपली आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आई क्या करता है, सबसे पहले आई के पावर वन से आई के पावर फोर तक जो भी चीज़ आपने लिखी है तो जब आप फोर से पावर रेज करना शुरू करोगे लाइक फाइव सिक्स सेवन एट इस तरीके से अगर आप पावर रेज करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे वो क्या कर रहा है, उसी पैटर्न को वो रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, उसी पैटर्न को वो रिपीट करता जा रहा है। तो अब इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा जनरलाइज करके जनरल फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे चलिए मान लीजिए हम आपको ना यहाँ राइट साइड में एग्जाम्पल के तौर पर आपको देते हैं कि आई का पावर ना अब आपको थर्टीन सॉल्व कर, ठीक है,
आई का पावर 13 सॉल्व करना है, तो आपके मन में आएगा भाई आई का पावर 13 इतना बड़ा पावर हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इतना स्टेप बाई स्टेप करना पड़ेगा। तो अब आप वो काम मत करिए, अब आप 13 को क्या करिए, देखिए राइट साइड में ये 4 से आप डिवाइड कर, ठीक है, ये आपको गया 4 3 12 और रिमाइंडर आ गया 1। मतलब इस 13 को आप डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो भाई, 13 ये जो आपका बीच वाला जो आता है डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड बन जाता है डिवाइजर, मतलब 4 × 3% + 1 रिमाइंडर, तो 4 × 3 + 1 आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो आई के पावर 13 को आई का पावर 4 × 3 + 1, क्लियर। अब ऐसा जब आप लिख लोगे तो ऐसा लिखने से देखिए आपको बेनिफिट क्या हुआ, अब 4 के मल्टीपल से जितना हो सकता था वो पावर मैंने हटा दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर मेरा क्या बचा। तो इसको ना आप ऐसे लिख लो i × i का पावर 4 × 3 × फिर लिख लो i का पावर 1, क्यों लिख लिया, क्योंकि दोनों में बेस आपका i सेम है, तो पावर ऐड करोगे तो अपने आप ये पावर ऐड होने के बाद ये चीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। अब जरा सा आ गया, अब ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट हुआ भाई, इसको अगर आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो i का पावर 4 × 3, क्योंकि ये पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, i का पावर 1 तो यहाँ i रह जाएगा सिंपली, है ना। अब जरा सोचो i का पावर 4 क्या आपको मिला है, सबसे लास्ट में एकदम नीचे वाला आप रो देखो, नीचे वाला लाइन जो i का पावर 4 और i का पावर 8 का वैल्यू मुझे 1 मिला है। तो 1 मिला है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आप रिप्लेस कर सकते हो किस चीज को, तो i के पावर 4 को आपको ना रिप्लेस कर देना है किसके साथ, तो 1 के साथ। जब 1 के साथ आप रिप्लेस जैसे करोगे आपको दिखने लगे कि 1 1 का पावर 3 × i, तो सबको आंसर समझ में आ गया होगा, 1 का पावर 3 तो 1 ही रहता है, ये सिंपली i के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि भाई i का पावर 1 से 4 तक ये ना बेसिक आप याद कर लो कि i का पावर 1 2 3 4 क्या होता है ना। अब इसमें कुछ याद नहीं करना, i का वैल्यू सिंपली आपने याद कर लिया कि i का वैल्यू सिंपली √-1 होता है, इसी पावर को जैसे जैसे आप रेज करते जा रहे हो तो उसको आप सॉल्व करते जा रहे हो, सॉल्व करके i का पावर 2 i का पावर 3 i का पावर 4 इस तरीके से आपने लिखा i का पावर 1 से लेकर 4 तक, तो ऐसे ही आपको इजीली याद हो जाएगा, ये बड़ा सब्जेक्ट, ठीक है। अब चलो अब आता है क्या, अब आता है मेरा मैटर कि भाई ये अगर हमको याद हो गया तो अब अगर 4 से ऊपर पावर जैसे आप चढ़ोगे, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी आप लोगे, तो वहां पे आप लोग को हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि वहां पे 4 से जैसे ही बड़ा पावर मेरा बनेगा तो हम लोग क्या करें ना, उस पावर को उस इंडेक्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 का जितना मल्टीपल पावर होगा वो तो बेचारा आई का पावर 4 1 होने के कारण वो आपका हट जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचा रहेगा बस वही रिमाइंडर ही आपका आगे का कहानी कहेगा कि भैया अब आई का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। जैसे चलो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो ना मेरा ये साल चल रहा है 2021, ठीक है, ये साल आपका 2021 चल रहा है, तो चलो आई का पावर 2021 कर देते हैं एक बार क्वेश्चन, ये भैया मेरा क्या हो गया, तो एग्जाम्पल मैंने लिया कि आई का पावर ना 2021। अब आपको कह दिया कि भाई आप लोग सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ, पेन पेपर लेके बैठो भाई, जब भी पढ़ो तुरंत आंसर बता दोगे तुम लोग क्या होगा। तो सबको क्या करना है भाई, ये जैसे ही मैंने नंबर देखा पावर 2021 4 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को सिंपली 4 से डिवाइड कर लेना है, 2021 को 4 से डिवाइड कर लेना है, 4 5 20 जी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या जरा सोचिए तो क्या आएगा, आप सिंपली 2021 को आपको ना डिवाइड कर लेना क्या आ रहा है आप लोग को, ठीक है भैया 2 आ गया, है जी 2 आ गया, तो इससे तो काम चलेगा नहीं, मेरा 1 भी लाना पड़ेगा, क्या करोगे 0 करोगे क्या, डिविजन देख लेना भाई, डिविजन सबको आता है कैसे क्या, फिर आ जाओगे 5 से तो ये बन गया आपका 20, फिर क्या हो गया भाई रिमाइंडर आ गया 1। तो अब जरा सोचो कि ये जो आपका डिविडेंड है भाई, बेसिक रूल याद करो, 2021 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 505 + 1 ऐसा आप लिख सकते हो क्या, तब विद्यार्थी दिमाग लगाना भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा अगर आप कर सकते हो तो आप जरा सोचो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ। इसमें बेनिफिट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ वो, तो
तो 4 का जितना भी मल्टीपल पावर है, तो वहां आई का पावर 4 होने के कारण वो तो 1 बन जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर मेरा जो रिमाइंडर बचा रहेगा, तो यहाँ रिमाइंडर कौन बच रहा है, तो यहाँ आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। देखो हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर तो कह रहा है भाई हम तो सिर्फ 1 ही बच रहे हैं यहाँ पे, तो 1 बच रहा है, तो उसी रिमाइंडर जो बचेगा वही आई का आपका पावर हो जाएगा। ये 1 जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो 1 आपको दिख रहा है, ये सिंपली आई का पावर आपका बच जाएगा 1। और वो फिर देख लेना कि भाई कुछ फर्दर ब्रेक होने वाला अगर है, कुछ आगे वाली लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। तो सिंपली आप इसमें आओगे तो इसका बस 2 स्टेप में सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको आपको आगे लिख लेना है, आई का पावर 4 × 505 + 1 हो गया। अब ऐसे लिख ले तो सिंपली उसके बाद लिख लो आई का पावर 1, चलो ऊपर देख लो आई का पावर 1 क्या है, तो सिंपली आई है, यही मेरा आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई है ना। तो आई का अब ये इतना बड़ा पावर आपको दिख जाने से ऐसा आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई आई का पावर कुछ भी अगर हमको दिख रहा है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फोर्सेस को तुरंत करेंगे डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचा रहेगा बस उसी रिमाइंडर को पावर के रूप में लिख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो आई का पावर 29, इसको सॉल्व करना फटाफट, तो चलो 4 × 4 × क्या हो जाएगा, 4 × 28, 7 × 7 = 28 + 1। तो क्लियर हो गया कि भाई 4 × 7, ये 4 वाला हमारा क्योंकि मल्टीपल है तो ये तो 1 हो जाएगा, इससे मतलब है नहीं, रिमाइंडर 1 बचा है, 1 से मतलब है तो आई का पावर 1 मतलब आई आंसर हो गया। क्लियर है? सपोज करो कोई दे दिया आई का पावर, तुमको दे दिया सपोज करो 64, तो चलो भाई आई का पावर 4 × 16, 16 का 4 टाइम पावर टेबल 64 आ जाएगा, आई का पावर 1 होता है, 1 का पावर 16 मतलब 1 हो गया, है ना जी, इसका आंसर आ गया। क्या फिर मान लो कोई देता है सपोज करो हमको आई का पावर यहाँ दे दिया 17, या चलो 17 जो दे दिया 27 ले लो, तो 27 ले लोगे तो ये जाएगा तुम्हारा आई। अब चलो 4 से आप कर लो इसको, फटाफट आंसर लिखते चलना भाई, तो जर्स लिखेगा 4 × 6 = 24 + 3 = 27 आ गया। यहाँ से आई का पावर 3 फाइनली मेरा रिमाइंडर वाला पावर रह जाएगा, और आई का पावर 3 आप ऊपर में देख लेना भाई क्या लिखे थे, माइनस आई लिखे थे क्या, ऊपर चेक कर लीजिएगा, ये माइनस आई आपने लिखा है तो यही आपका क्लियर है। तो इस तरीके से ना आप इस इंडेक्स सब का जवाब फटाफट, ये जो भी सवाल आएगा उसका जवाब आप फटाफट दे सकते, ठीक है। अब आइए, अब सपोज करो नेक्स्ट में हम लोग कुछ और देखते हैं काम इसमें, जैसे मान लो चलो आई, अगर मान लो कि आई डिनोमिनेटर में अगर आना शुरू हो जाए तब क्या हो, ठीक है, तो क्या बोला, आई अगर डिनोमिनेटर में आना शुरू हो जाए भाई तब क्या करें। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आई जो है वो अब ऐसे आई नहीं आती, अब मुझे लाइक 1/i है ऐसे दिखने लगा, तब फिर अब इस समय हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें। तो जब भी डिनोमिनेटर में आपको 1/i आ गया तो थोड़ा सा पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट याद करो, लाइक 1/√3 ऐसे एक नंबर आ गया, तो उसमें एक रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे छोटे क्लासेस में, और रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता था भाई, इसको कर दो √3/√3, ताकि जो डिनोमिनेटर में √3 है इसको ना रेशनल फॉर्मेट में लाना है, यहाँ पे ये √3/√3 हो जाएगा, ऊपर √3 रह जाएगा। तो कुछ वैसा ही काम आपको यहाँ पे करना, आपको क्या करना है, नीचे का आई हटाना आपका टारगेट होना चाहिए, तो नीचे का आई हटाना आपका टारगेट होना चाहिए। तो सोचिए अगर सिंपली कोई आदमी ने इसको i/i से मल्टीप्लाई कर लेता है सिंपली, तो क्या नीचे का आई हट जा रहा है क्या, बिल्कुल हट जा रहा है, क्योंकि आई का स्क्वायर आपने पढ़ा है कि आई का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये तो -1 हो जाता है, आई का स्क्वायर -1 हो जाता है, मतलब ये बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ आप इसको लिख सकते हो i/i², और ये i रह गया नीचे आ गया -1, सोचो -1 को आप ऐसे -i करके लिख सकते हो, तो i/-1 मतलब -i हो गया। तो ये 1/i को जब आप सॉल्व करते हो इसका वैल्यू आपको क्या नजर आता है, -i के बराबर नजर आता है। 1/i को अगर आप चाहोगे तो स्टार्टिंग में ही i का पावर आप -1 भी लिख सकते हो, है ना। तो हियर यहाँ पे क्या पता चला, हियर i का पावर अगर आप -1 लिखते हो तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स
ये आपको जाएगा माइनस आई, ठीक है। तो आई का पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस आई, देखो तो सॉल्व हो गया। तो अगर आई डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, डिनोमिनेटर वाले आई को भगाना मेरा टारगेट रहेगा। वाई ना डिनोमिनेटर वाले आई को भगाओ, कैसे भगाओ तो सोचना है भाई, यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए कि भाई नीचे का आई मेरा गायब हो जाए। अब नीचे का आई जैसे गायब करोगे, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। चलो ये एग्जाम्पल पहला था, अब दूसरा एग्जाम्पल ले। लाइक सपोज करो आई का पावर ना माइनस टू लो, अब ये माइनस टू पावर बढ़ा लो, तो निगेटिव में पावर अगर माइनस टू लोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वन बाई आई स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर भाई, निगेटिव पावर होता है तो सबने पढ़ा होगा, ये डिनोमिनेटर में ऐसे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लाइक आप पढ़े होंगे कि भाई टू का पावर माइनस फोर्थ इज इक्वल टू वन बाई टू का पावर, ऐसा तो सब पढ़े होंगे आप लोग। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आई का पावर माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई आई स्क्वायर लिख लो आप इसको। अब ये क्या बन गया भाई, ये बन गया वन बाई माइनस वन। अब वन बाई माइनस वन मतलब क्या हो गया, सिंपली माइनस वन हो गया। अरे वाह, ये तो आई का पावर माइनस टू सिंपली माइनस वन हो गया। और जरा ध्यान से जरा सोचना भाई, पहले से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, आई का स्क्वायर भी जब मैंने लिखा था, चूंकि आई का वैल्यू आपका रूट ओवर माइनस वन है, तो आई का आपने स्क्वायर किया था तो ये भी माइनस वन आया था। मतलब ये इसको आप आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ से आप ऐसा अगर कह देते हो कि हियर आई का पावर टू और आई का पावर माइनस टू, ये दोनों तो सेम ही हमको नजर आ रहा है जी, हमको तो सेम नजर आ रहा है, तुम्हें देख लेना क्या नजर आ रहा है। सेम नजर आ रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता है, आई का पावर टू आई का पावर माइनस टू बोथ आर सेम, ये तो दोनों एक ही चीज हो गया भाई, तो ऐसा कुछ है। चलिए उसी तरीके से कुछ और काम करते हैं, आई का पावर थ्री फोर, हाँ चलो चार पावर तक तो लेंगे ही, तो दिक्कत फोर पावर तक तो हमको देखना ही है कि चल गया रहा है क्या, है ना। इसको फिर आप आगे बढ़ा लो, एक थ्री नंबर एग्जाम्पल ले लो। चले यहाँ मान लो ये आई का पावर ना माइनस थ्री हो गया, ये क्या बन जाएगा, वन बाई आई का पावर थ्री बन जाएगा। तो वन बाई आई का पावर थ्री बन जाएगा तो इधर से लोग सोचे भाई आई का पावर थ्री क्या आया था, देखिए राइट साइड में पहले हम लिख देते हैं आई का पावर थ्री की बात अगर आप करोगे तो आई का पावर थ्री अगर आप लिखोगे तो माइनस आई भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो नीचे माइनस आई आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का आई हटाना अगर आपका टारगेट है तो कुछ लोग ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको ना आई बाई आई से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ठीक है देखते हैं करके क्या होता है। तो आई डिवाइडेड बाई आई का पावर फोर हो गया। अब आई का पावर फोर आपने क्या पढ़ा है, ये तो वन के बराबर होता है ना, आई का पावर फोर क्या होता है, ये आपका वन के बराबर होता है। तो वन के बराबर होता है तो आई डिवाइडेड बाई वन, मतलब ये आपको कुछ दिखने लगेगा इस टाइप से, लाइक आई दिखना शुरू हो जाएगा सिंपली, है ना। ये सिंपली आपको आई जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, तो सिंपली आई हो जा रहा है। अब फोर में आ जाओ, फोर नंबर में अगर आप बात कर लोगे, फोर में आई का पावर निगेटिव फोर ले लो, वन बाई आई का पावर फोर ले लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा वन बाई वन। वन क्यों बन गया, क्योंकि आई का पावर फोर सबको पता है वन होता है, तो इसका वैल्यू सिंपली आपको वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप लोग को ध्यान देना है भाई कि जो भी आप आई का पावर आप आई इधर निगेटिव ही अगर आप लेते हो, आई अगर आपको डिनोमिनेटर में भी चला जाता है तो वहां पर मेरा टारगेट क्या रहेगा, वहां टारगेट रहेगा कि डिनोमिनेटर वाले आई को हम लोगों ने किसी तरीके से क्या करना रहेगा, उसको जो है सो शिफ्ट करना रहेगा भाई, रेशनलाइजेशन प्रोसेस टाइप से। डिनोमिनेटर का आई हटाना हमारा टारगेट रहेगा, जैसे ही डिनोमिनेटर का आई हम लोग हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अपने आप को क्वांटिटी जो भी होगी सॉल्व होकर आपको आंसर लिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आइए, अब कुछ हम लोग को, अब आइए, अब जो भी आई का प्रॉपर्टी पढ़ रहा है उसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगा कि आई का पावर चलो वन से फोर तक तो जो कहानी है वो कहानी है ही अपनी जगह पे। जब आई का पावर फोर से चढ़ना शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ये फोर के मल्टीपल है, उसका रिमाइंडर पे सारी चीजें शिफ्ट कर जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि आई का पावर फोर एन प्लस थ्री आपको बताना इसका वैल्यू क्या होगा, वेयर
जहां एन कह दिया बिलोंग्स टू सम नेचुरल, यहाँ एन क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो बता भैया कि अब आप जो है सो इसका वैल्यू क्या है ना। तो देखिए कुछ बच्चा जवाब भी दे दिया फटाफट, सही बात है। देखो तो इसमें कुछ खास नहीं है, अब कोई भी आदमी सोचेगा चलो एन नेचुरल से बिलोंग करता है, आई का पावर फोर एन, ये तो फोर का मल्टीपल है, ये बेचारा तो कोई फर्क डालेगा ही नहीं, आई का पावर फोर वन होता है उस कॉन्सेप्ट से ये हट जाएगा, पर रिमाइंडर कौन है, तो रिमाइंडर सिर्फ थ्री है, तो आई का पावर थ्री रह जाएगा, और आई का पावर थ्री तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि माइनस आई के बराबर होती है, तो माइनस आई तो मेरा आंसर हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये इस तरीके से कोई भी बच्चा है सवाल का जवाब तुरंत बता देगा कि सर देखिए इसका जवाब हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोग करने के लिए, उसमें आप लोग को देखना है कि इसमें क्या आता है। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया कि आपको सॉल्व करना आई का पावर वन प्लस आई का पावर टू प्लस आई का पावर थ्री प्लस आई का पावर फोर। चलिए अभी इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है सबको। चलो मेरे बहादुर बच्चों जल्दी से जवाब दे दो इसका, एक मिनट के अंदर, एक मिनट भी काफी है, बहुत बच्चा तो जवाब लिखने भी लगा। तो यहाँ देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आई का पावर वन से आई का पावर फोर तक मैंने आपको कहा है कि सिंपली आपको ऐड करना है और ऐड करके बताना है इसको आप क्या लिख सकते हो, है ना। तो चलो भाई आई के पावर वन तो आई रहने दो, आई के स्क्वायर माइनस वन लिख लो, क्लियर है। आई का पावर थ्री माइनस आई हो जाएगा, आई का पावर फोर तो वन हो जाएगा, है ना। तो बहुत बच्चों ने जवाब दे भी दिया, बड़ा वाला जीरो, वेरी गुड भाई। ये क्या होगा ना, ये कटवट के कह रहा है कि हम हो जाएंगे बड़ा वाला जीरो। कैसे देखिए, माइनस आई प्लस आई से कट गया, माइनस वन प्लस वन से कट गया, फाइनली आपके यहाँ पे बचा क्या। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नजर आएगा कि ये सब पर्टिकुलर सिंपली जीरो नजर आ रहा होगा, सब विद्यार्थी को क्लियर होगा, है ना। अब ऐसे ही चलो मान लो, चलो एक और सवाल लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बनाओ। आई का पावर 16 प्लस आई का पावर 17 प्लस आई का पावर 18 प्लस आई का पावर 19, ये सॉल्व करो, ये कितना है, जल्दी से इसको भी बताओ। चलिए बहुत बच्चा लोग सॉल्व करके फिर से लिख दिया जीरो, अगेन जीरो, बड़ा वाला जीरो। अरे भाई ये तो बड़ा इजी हो जा रहा है, कैसे। आई का पावर 16, फोर का मल्टीपल इसका पावर, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। चलो आई का पावर 17, फोर फोर जो 16 प्लस वन, एक एडिशनल आई आ गया, क्योंकि फोर फोर जो 16 कोई फर्क रहेगा नहीं, तो वन रिमाइंडर से ही पावर इसका प्रभावित होगा। 18 में चले आओ तो आई स्क्वायर हो गया, 19 में चले आओ तो आई का पावर थ्री हो गया, ये हो गया वन प्लस आई प्लस माइनस वन, और आई का पावर थ्री सबको पता है ये माइनस आई होता है। अब जल्दी से कटा लीजिए, आंसर पा लीजिए, सबको दिख भी गया कि तो पूरा कैंसल आउट होने वाला है, कैंसल होके हो जा रहा है जीरो, माइनस वन गया इसके साथ, आई गया इसके साथ, सब कट के आ गया जीरो, मेरा आंसर बन गया, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए अब क्या करें, कोई भी अपने मन से भाई कुछ भी, चलिए कोई भी लगातार चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आप ले लीजिए लगातार। ये देखिए ये लगातार इंटीजर कैसे ले रहे हैं, लाइक 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 20, और अब सब आदमी ऑब्जर्व करिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या ये जीरो आ रहा है क्या, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन से विद्यार्थी लोग को तुरंत समझ में आ गया होगा कि अगर लगातार ये चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है आपका, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं ये आई के पावर फोर, आई के पावर फोर प्लस फोर एन प्लस वन, आई के पावर फोर एन प्लस टू और आई के पावर फोर एन प्लस थ्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई का पावर फोर सबको पता है, देखो ये कहीं ना कहीं जब लगातार आप चार ये लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आप ले रहे हो तो क्लियर है, ये आई का पावर फोर एन, फिर आई का पावर फोर एन प्लस वन, है ना, फिर आई का पावर फोर एन प्लस टू, फिर आई का पावर फोर एन प्लस थ्री, लाइक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वो चेक कर सकते हो इसको खुद यहाँ कहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आप लोग को। फोर एन जैसे आपके मन में आएगा भाई फोर एन वाला कहाँ काम कर रहा होगा, है ना।
तो 4 का टेबल पढ़ लो भाई, 4 से सीधा सीधा कट जाने वाला 28 दिख रहा है, ये बेचारा इसको चला या इसको भी प्रेजेंट कर दिया, वैसे 4n+1 तो 4 के टेबल पढ़ने से 1 रिमाइंडर एक्स्ट्रा, तो 25 पहले में आ जाओ, ये 1 रिमाइंडर एक्स्ट्रा वाला आ गया। 4n+2 में चले जाओ तो 2 रिमाइंडर, तो 26 वाले में आ गया, ठीक है नहीं। फिर 27 वाला क्या हो गया, तो +3 वाला में आ गया। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे क्लियरली सब स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा, ये लगातार आप कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जब आप आई के पावर में जब आप लेते हो तो क्या हो जाता है, ये इसका सम हमेशा जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, इसको आप इजिली आप यहाँ समझ सकते हो कि भाई आई का पावर, चलो आप लाइक कर लो तुम 4n, चलो ऐसा कर लो जैसे सपोज कर आई का पावर 4n प्लस आई का पावर 4n+1 प्लस आई का पावर 4n+2 प्लस आई का पावर 4n+3, आपने इस तरीके से ले लिया तो यहाँ आप क्लियरली बोल सकते हो कि भाई ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा 1 आ गया, फिर ये क्या हो गया हमारा आई आ गया, फिर ये क्या हो गया हमारा आई स्क्वायर आ गया, फिर ये क्या हो गया, फिर अगर आप इसमें आ जाओगे तो ये आई का पावर 3 हो गया। इस तरीके से हमारा अगर आ गया तो इसका सम जब भी हम लोग करेंगे ये सम हमको हमेशा 0 के बराबर मिलेगा। अब चलिए अब एक सवाल और, आप इसी पैटर्न को जो पैटर्न सबसे लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, इस पैटर्न को देख के आप तुरंत जवाब दे सकते हो कि भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो चलो एक सवाल मैं लिखता हूँ, लिखते ही जवाब भी आपको लिख देना है साथ साथ। क्वेश्चन है आई, आई नहीं यहाँ 1 हो गया, 1 + 37 आई का पावर 38, 39। चलिए इसका जवाब क्या होगा फटाफट लिख दीजिए आप लोग। अरे मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले बच्चे से 0 का लाइन लगा दी। अरे बिल्कुल समझ गया सब विद्यार्थी सब, जो ऊपर जो पैटर्न मैंने लिखा है तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे जाके मीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तो 1 सामने दिख गया आप लोग को, फिर से आपको दिख गया होगा कि भाई अब 1 वाला इंडेक्स वाला, फिर 2 इंडेक्स वाला, फिर 3 इंडेक्स वाला, देखो भाई ये 1 तो यहाँ 1 दिख गया। 37 क्या है, 4 9 36 + 1 ये आई वाला आ गया 1 पावर, ये 2 पावर वाला यहाँ दिख गया और ये 3 पावर वाला भाई यहाँ दिख गया। तो ये अल्टीमेटली नीचे जो मैंने लिखा है वो कुछ नया नहीं है, जस्ट ऊपर वाला का नीचे रिपीटेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया बड़ा वाला 0 आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जाना है कि भाई अगर कोई भी नंबर सपोज करो जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया कि भाई वैसे नंबर्स को आपको क्या बोलना है, उसको इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर बोलना है, आई के वैल्यू को √-1 के बराबर समझना है, फिर उसका पावर रेज करोगे तो आई का पावर 2 - 1, आई का पावर 3 - i, आई का पावर 4 - 1 और आई का पावर 4 का जो मल्टीपल होगा लाइक आई का पावर 4n, 4n+1, 4n+2 या 4n+3 फॉर्मेट में अगर पावर जाता है तो आपको रिमाइंडर को ध्यान में रखते हुए आई का डायरेक्टली वैल्यू लिखना है। और यहाँ पर आपको ये भी पता चला कि अगर आई का पावर लगातार अगर आप 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो उसका सम हमेशा आपको 0 मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा आपको यहाँ पे कि 1 + लाइक आई का पावर 37, 38, 39, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी ऊपर वाला आई का ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो उसको देखते हुए आपने लिख दिया कि भाई इसका सम क्या होगा, 0 होगा। ये क्लियरली सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, पहला चैप्टर में आपको आई से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको आपको इसको कीजिए, फिर कल के क्लास होंगे देखेंगे आई का फर्दर और क्या प्रॉपर्टीज और यूजेस हो सकता है। तब तक के लिए आपको चलिए गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।